students hope so you all are good today we are going to discuss the experiment number 1.2 microscopic examination of brassica compostures stem root and leaf. So students for this experiment the required material is microscope prepared slides these are the things that we have required for the experiment or ye basically in the mom parski prepared slide hain. So students we will discuss the transfer section of the stem, बेसिकली अब जो आप स्लाइड्स ऑब्जर्व करेंगे वो ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द स्टेम की हैं यू कैन सी डेट दिस इज़ द स्लाइड इन विच द ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द स्टेम शोन टू यू नाउ वी विल ऑब्ज़र्व ऑल दी स्लाइड्स अंडर द माइक्रोस्कोप आप इन तमाम स्लाइड्स को जो कि ट्रांसफर सेक्शन की बनाई गई हैं आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप और फिर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से आप देखें सबसे पहले आप इसको जब स्टेज पे रखेंगे आपने इसे इस तरह से सेट करना है एंड वेन यू विल सेट इट ऑन द स्टेज ये चीज़ याद रखिएगा कि लाइट की रिफ्लेक्शन सही हो सो so, जब आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे आपने यहाँ से मैग्नीफिकेशन इंक्रीज और डिक्रीज करके आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं सो दिस इज़ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम ये स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है और इसमें आप डिफरेंट पार्ट्स ऑब्जर्व करेंगे द पार्ट्स डेट यू दैट यू विल ऑब्जर्व ओवर हेयर दीज आर दार्ट डेट वी विल ओब्जर्व इन द ट्रांसपोर्ट सेक्शन सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एपिडमिस देखेंगे कॉटिक्स देखेंगे पेरीसाइकल वॉस्कुलर बंडल्स और इसके साथ साथ वॉस्कुलर बंडल्स की आपको पता है डिवीजन हुई होती है जायलम और फ्लोइम में जायलम और फ्लोइम के साथ साथ यू विल ऑल्सो ओब्सर्व दिथ दैट इज प्रजेंट इन देंटर ऑफ द स्टेम और जो ये स्टेम है ये बेसिकली एक डायकोट स्टेम है क्योंकि ब्रासिका एक डायकोट प्लांट है सो इट हैज द डायकोट स्टेम नाउ यू विल ऑब्जर्व द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम यहाँ पे आप सबसे पहले अगर एपिडर्मस को देखें आउटर कवरिंग डैट इज द एपिडर्मस उसके बाद आप कोटेक्स को ऑब्जर्व करें दिस इज द लेयर ऑफ द सेल्स डैट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मस कैम्बियम प्रेजेंट होता है बेसिकली केम्बियम के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेडुलरी रेस को और यहाँ पे पिथ भी प्रेजेंट है स्टूडेंट्स so, जब हम इन सब पार्ट्स की बात करते हैं यू विल ऑब्जर्व ऑल दिस पार्ट्स कोटेक्स का काम बेसिकली क्या होता है कि ये फूड को स्टोर करता है केम्बियम बेसिकली बाद में वुड की फॉर्मेशन करता है पिथ का काम भी फूड को स्टोर करना है और जो यहाँ पर रेस प्रेजेंट है डेट वी कॉल द मेडुलरी रेस स्ट्रिप्स होती हैं जो वास्कुलर बंडल्स के दरम्यान में प्रेजेंट होती हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रूट सो स्टूडेंट फॉर दिस पर्पज वी विल यूज़ द स्लाइड ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रूट हम इसके स्लाइड यूज़ करेंगे एंड अगेन द सेम प्रोसेस दैट वी विल परफॉर्म वी विल पुट द स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड वी विल सेट इट एंड विद द हेल्प ऑफ द नोब हम इसकी मैग्नीफिकेशन सेट करेंगे और मैग्नीफिकेशन सेट करके हम ऑब्ज़र्व करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से रूट्स एग्जिस्ट करती है आप ये देखेंगे दिस इज़ द स्लाइड ऑफ द रूट ये रूट के ट्रांसफर सेक्शन की स्लाइड है जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहाँ पे आप रूट के कौन कौन से पार्ट ऑब्जर्व करें करें वी विल ऑब्जर्व एपिडर्मिस कॉटेक्स पेरीसाइकल व बंडल कैम्बियम एंड पीथ सो स्टूडेंट वी विल डिस्कस ऑल दि स्ट्रक्चर डेट आर प्रेजेंट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रूट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूट डेट वी विल डिस्कस इज़ द एपिडमिस जो कि आउटर कवरिंग बनाती है इसको हम क्या कह कहते हैं ये एपिडर्मस है एंड वेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर डेट इज प्रेजेंट आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेट वी कॉल्ड एज द रूट हेयर उनको हम रूट हेयर्स कहते हैं ये बेसिकली सरफेस एरिया इनक्रीज़ करते हैं उसके बाद कॉटेक्स की लेयर प्रेजेंट होती है डैट इज़ जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है और ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं आफ्टर डैट स्टूडेंट्स यू विल ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ द रूट डेट वी कॉल्ड एज द एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस बेसिकली क्या करती है एक लेयर प्रेजेंट है जो कि प्रोटेक्ट uh, करती है इनर पार्ट्स को जो एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं उनको ये प्रोटेक्ट करेगी और जब हम पेरीसाइकिल की बात करते हैं पेरीसाइकिल बेसिकली एंडोडमेस के नीचे प्रेजेंट होती है और इसमें बहुत साइटोप्लाज्म होता रहता है डट द जाइलम डैट ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इज एंडासम जो फूड ट्रांसपोर्ट करती है नाउ वी विल डिस्कस द टी एस ऑफ लीफ बेसिकली जब हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ की बात करते हैं यहाँ पे आप सेम प्रोसीजर करेंगे कि आपने स्लाइड लेनी है उसको स्टेज पे फर्स्ट सेट करना है एंड देन यू विल ऑब्जर्व द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ आप जब माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो आपको ये इस तरह का पेयर होता है दिस इज़ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ इसको हमने ट्रांसफर वे में कट किया है तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये ट्रांसफ़र सेक्शन है लीफ का स्टूडेंट्स और तो यहाँ पे आप ये पार्ट्स ऑब्जर्व करेंगे जिसमें एपिडर्मिस मिजोपिल टिशू पैलीसेट मीजोफिल्स पोंजी मिजोफिल्स स्टोमेटा वॉस्कुलर टिशू जाइलम और फ्लोइंग नाउ स्टूडेंट दिस इज़ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ और इसमें आप डिफरेंट पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे द आउटर मोस्ट लेयर इज द क्यूटिकल के बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं आप अपर एपिडर्मस देन मीजोफिल टिश्यू देन लोअर एपिडर्मस और लोअर एपिडामस के बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे प्लांट का वो पार्ट जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है डैट इज स्टोमा अगर मोर देन वन स्टोमा प्रेजेंट होंगे तो उनको हम स्टोमेटा कहेंगे और इस स्टोमा को सराउंड किया होता है गार्ड सेल ने स्टूडेंट्स वन वी टॉक अबाउट द मीजोफिल टिश्यू बेसिकली जो मीजोफिल टिश्यू है इनका काम है फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस करना या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मीजोफिल टिश्यू जो बेसिकली ये टू टाइप्स में डिवाइड हुए होते हैं इनकी टू टाइप्स हैं द फर्स्ट टाइप डैट वी विल डिस्कस ओवर हेयर इज़ द पैलीसेट सेट मीज़ोफिल टिशू डेट यू कैन ऑब्जर्व देयर एंड द सेकेंड टाइप इज़ द मीज़ोफिल स्पॉन्जी मीजोफिल पैलीसेट बेसिकली टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ ये मीज़ोफील्ट टिश्यू की वो टाइप है जो टाइटली पैक्ड है और ये फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेंगे जब हम स्पोंजी मिज़ोफील्ड टिश्यू की बात करते हैं ये लूजली बाउंडेड होते हैं और ये स्पेसिस बनाते हैं जो स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं वो स्पॉन्जी मिजोफील्ड की वजह से एग्जिस्ट करती हैं आफ्टर डैट स्टूडेंट्स यू विल ऑब्जर्व द रेड पार्ट जो कि जाइलम है और जो ऑरेंज पार्ट दिखाया गया है वो फ्लोइम है जिनका काम ट्रांसपोर्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली हमने डिस्कस किया ब्रासिका प्लांट के डिफरेंट ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम रूट एंड लीफ को और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रूट्स थी जिनको हमने ऑब्जर्व किया इन डिटेल और इसके बाद लीव्स की हमने बात की लीव्स को डिस्कस करने के साथ हमने स्टेम एंड आफ्टर डैट द फ्लावर्स इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रासिका प्लान प्रैक्टिकल कॉपी दिस इज द एक्सपेरिमेंट डेट वी हैव डिस्कस टूडे हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट आज डिस्कस किया है और इसमें आपने सबसे पहला स्ट्रक्चर देखा था वो स्टेम का है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट ये रूट का स्ट्रक्चर है और थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था डैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ यू कैन सी ओवर हेयर सो स्टूडेंट्स वट यू हैव टू डू विल ड्रॉ ऑल दिस डायाग्राम्स ऑन द ब्लैंक पेज आपने ब्लैंक पेज पर यह डाइग्राम्स ड्रा करनी है इसके साथ आपने उनको लेबल भी करना है एंड ऑन द टॉप यू विल राइट द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपने एक्सपेरिमेंट का नेम लिखना है और आप बताएंगे कि आप क्या पर, कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आपने एक्सपेरिमेंट नंबर और एक्सपेरिमेंट नेम दोनों चीज़ें टॉप ऑफ द पेज मैंशन करनी है So, students, this is all for today. Hope so, all the things will be clear to you. Thank you so much.